सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी आज आपके सामने खड़ी है, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। ये वेरिएंट है AX5 विद लग्जरी पैक यानी AX5L, और इस वेरिएंट में आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज TGDI, यानी टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 230 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क और 182 पीएस तक की पावर जो है वो जनरेट करता है। बहुत ही फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, बहुत ही जबरदस्त आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये गाड़ी देने में कैपेबल है। तो लग्जरी पैक में AX5 की तो हमने ऑलरेडी बहुत बार बात कर ली है, लग्जरी पैक में आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, इस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स आपके लिए एड ऑन हो जाते हैं, हम हर चीज की बात करेंगे। 360 डिग्री कैमरा, एडास, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसी वेरिएंट में मिलना शुरू होते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है महिंद्रा का लोगो, बड़ा सा एक सामने जो है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ बार है जिसके ऊपर आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स क्रोम के साथ दिखती है। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है वो आपको सामने माउंटेड मिलेगा, नीचे जो है वो आपको यहाँ पर रडार दिख रहा है जो कि एडास के लिए दिया गया, और नीचे आपको दिखती है एक सिल्वर कलर की स्केट प्लेट। गाड़ी का बम्पर वगैरह जिस तरीके से डिजाइन है, जिस तरीके की हुड के ऊपर क्रीजेस हैं, जैसे एजेस इस गाड़ी के ऊपर दिखते हैं, वो पूरी तरीके से इस गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट्स को अलग बनाते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर बेस LED में हेडलैम्प, DRLs जो आपको LED में मिलती हैं, यही बायफंक्शनल है तो आपके टर्न इंडिकेटर के तौर पर भी फंक्शन करेंगी। क्रोम के हाइलाइट्स वगैरह और थोड़ा सा जो डायमंड मैश पैटर्न है वो हेडलैम्प के अंदर काफी सुंदर अपील देता है। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है इन व्हील्स के ऊपर, 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। टर्बो इंजन है, TGDI है, लेकिन किसी भी तरीके से इसको अलग नहीं किया गया। अगर यहीं पर थोड़े कैलिपर्स वगैरह रेड पेंट किए जाते तो ज्यादा अच्छी तरीके से हाईलाइट होते, लेकिन नॉर्मल है। लेकिन चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो जरूर मिलते हैं, MRF के वॉन्डर टायर आते हैं, प्रॉपर टायर सेक्शन 205/65R16 है जो कि आपको यहां पर मिलता है। गाड़ी का ए पिलर आपको यहां पर मिलता है ग्लॉसी फिनिश ब्लैक फिनिश के साथ, ठीक उसी फिनिश के साथ आपको ORVMs मिलते हैं जिनके ऊपर टर्न इंडिकेटर माउंटेड है, और यहां आपको साइड में मिलता है 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा। यहाँ पर अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको कैमरा दिया गया है जो कि एडास के लिए काम करेगा, रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो वो भी आपको वहां पर देखेंगे। रूफ रिल्स अगेन आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलते हैं। बी पिलर जो है वो ब्लैक स्पैश टेप का इस्तेमाल किया गया है, विंडो के नीचे की बेल्ट लाइन जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक रखी गई है, और यहाँ अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो ये जो थोड़ा सा आप ग्लॉसी पैटर्न यहाँ पर देख रहे हैं पैनल के ऊपर, ये बहुत ही नीटली इसके रेयर में इसके स्पॉइलर के साथ मर्ज होता है, और ये जो पोर्शन है स्पेशली ये जो ग्लॉसी पोर्शन है ये इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल को पूरी तरीके से एक स्पोर्टियर फील जो है वो एड ऑन करता है। पीछे से चेकआउट करेंगे तो 3XO कुछ इस तरीके की प्रोफाइल जो है वो आपको डिलीवर करती है। कनेक्टेड टेल लैंप्स आते हैं जो कि आपके LED बेस हैं। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो एक बहुत ही ब्रॉडर सी शेप के साथ यहाँ पर आपको पीछे में बंपर मिलता है, नीचे स्केट प्लेट अगेन सिल्वर, 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, थोड़े बहुत डायमंड मैश पैटर्न आपको पीछे भी दिखेंगे, थोड़ा सिल्वर हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, फॉग लैंप आपको नॉर्मल हैलोजन में, स्टॉप लैंप आपको नॉर्मल हैलोजन में, और ऑलवेज कनेक्टेड मोड में जो आपका जलेगा वो आपका पूरा LED पोर्शन है जो कि सुंदर दिखाई देता है। महिंद्रा के लोगों के साथ XUV 3XO की बैजिंग, यहां आपको मिलते हैं वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऊपर स्पॉइलर के ऊपर दिया गया है, इंटीग्रेटेड एंटीना आपको मिलता है, सनरूफ जो है वो आपको मिलती है, नॉर्मल छोटी है, पैनोरामिक जो है वो आपको यहाँ पर एड ऑन नहीं की जाती। TGIDI या फिर AX5L वगैरह कहीं मेंशन नहीं किया गया, TGIDI सिर्फ आपको आगे फ्रंट में जो फेंडर है वहां पर आपको देखने के लिए मेंशन हुआ मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहां से बूट ओपन करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं बूट स्पेस 364 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है जो कि अब आपको 3XO में मिलता है। यहां अगर आप चेकआउट करेंगे तो सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह, सेफ्टी किट, गाड़ी की मैनुअल, वो सब चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा विद टूल किट्स, अंडर साइज है, नॉर्मल स्टील व्हील में आपको मिलता है, स्पेस सेवर है वो आपको मिलता है, कोई बूट में लैंप नहीं आता। इस तरीके से हुक्स जरूर आते हैं 5 kg और 7 kg के, दोनों साइड आपको मिलते हैं, पार्सल ट्रे एड ऑन नहीं की गई है, ग्रैब हैंडल जरूर है ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएं। ये पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, इमरजेंसी एग्जिट के लिए प्रॉपर स्लॉट जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। कुछ महिंद्रा टाइप चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, अगर आप इसे आराम से बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एहसास दिखाएगा कि ये महिंद्रा का लोगो है, थोड़ा ठोक के बंद करो तो आपको अच्छे से उसको दबाकर बंद करना पड़ता है, तभी जो है वो पूरी तरीके से आपका बूट क्लोज होता है। चलिए कैबिन में चलते हैं।
सबसे पहले चीज तो कीलेस एंट्री जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट सेंसर है। ये चाबी है जो कि आपको इस फेयरिंग के साथ मिलती है, टिपिकल महिंद्रा टाइप। फ्लिप की आपको मिलेगी, पीछे महिंद्रा का लोगो है। तीन कंट्रोल्स हैं, गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। अभी मैंने गाड़ी लॉक करी तो आरवीम्स जो है वो आपके इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, और जब आप अपनी गाड़ी अनलॉक करेंगे और इग्निशन ऑन करेंगे तब जाकर ये आरवीम्स अब आपके अनफोल्ड होंगे। कलर कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, ब्लैक के साथ जिस तरीके से ये ऑफ वाइट या फिर बहुत ही लाइट कलर बेज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा मेंटेन करने में आपको दिक्कत डेफिनेटली आएगी, केयर ये गाड़ी ज़्यादा मांगेगी। लेकिन ये अगर आप TGDI इंजन के साथ दे रहे थे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टेयरिंग के ऊपर थोड़ी बहुत रेड स्टिचिंग, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ TGDI, कुछ इस तरीके का फील गुड फैक्टर आपके लिए होना चाहिए था, जो कि आप इस वेरिएंट में मिस करेंगे, जबकि आपको AX5L में केवल और केवल एक यही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर TGDI। फिलहाल क्या कुछ है उसकी बात करते हैं। चारों पावर विंडोज आती हैं, ड्राइवर साइड वाली वन टच में अप एंड डाउन आएगी, यानी कि ऑटो है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉफ्ट टच में आपको मिलता है, स्पीकर और ट्विटर की प्लेसमेंट्स मिलती है इस तरीके से। थोड़ी सी सिल्वर फिनिश जो है, गन मेटल टाइप फिनिश जो है वो आपको डोर लीवर्स के ऊपर मिलती है। बढ़िया डोर पॉकेट्स, स्पेस अच्छा है यहाँ पर, फिलहाल अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ मिलता है। रिफ्लेक्टर्स नीचे जो है वो आपको सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर मिल जाते हैं। स्कफ प्लेट्स इस तरीके से यहाँ पर दी गई है प्लास्टिक की, थोड़े बहुत पैटर्न्स इसके ऊपर टेक्सचर जरूर एड ऑन किया गया है, लेकिन कुछ TGDI या फिर स्पोर्ट्स उस तरीके की चीज नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज है यहां पर, अगर आप चेकआउट करेंगे तो नीचे जो पेडल्स हैं, इन पेडल्स के ऊपर आपको थोड़ी सी मेटल फिनिश देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है, लेकिन आप यहां पर डेड पेडल को मिस करेंगे। उसके बाद गाड़ी का हुड आप यहां से खोल सकते हैं, फ्यूल फिलिंग लिड यहां से खोल सकते हैं। सीटें जो है वो पूरी तरीके से फैब्रिक की रहने वाली है, इनके ऊपर भी नॉर्मल वाइट स्टिचिंग जैसे कि हमने नॉर्मल इंजन्स में देखी थी वही चीज आपको मिलती है। हाइट वगैरह का बेसिक एडजस्टमेंट यानी कि मैनुअल आपको मिलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है, कोई वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं दी जाती। उसके बाद यहां पर आपको मिलते हैं 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन जो है वो आपको उस साइड मिलेगा, इधर जो है आपको स्टॉप एंड गो का मिलेगा यानी आइडल स्टॉप एंड गो का, और इधर आप हिल को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट जो है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अंदर स्विच होते हैं और सबसे पहले आप यहां से अगर इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके की एनिमेशंस है जो आपको सामने यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, और इस तरीके की एनिमेशंस कुछ आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पर देखने के लिए मिलती हैं। दोनों आपको ट्विन HD यहां पर स्क्रीन्स देखने के लिए मिलती हैं 10.25 इंचेस की, बहुत अच्छी तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काम करता है, कोई ऐसा लैग नहीं है। एंड्रोनॉक्स के साथ पावर्ड है, इनबिल्ड एलेक्सा आपको मिलता है, इनबिल्ड नेविगेशन आपको मिलते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यहां पर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स आपको ये सिस्टम ऑफर करता है, तो उससे रिलेटेड या कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपको यहां पर डेफिनेटली कोई इश्यूज नहीं आने वाले। फिजिकल बटन्स भी नीचे दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है। कैमरे की क्वालिटी आपको मैं चेक कराता हूं। अभी आप देख लीजिए कि ये फ्रंट कैमरा है, अगर आप चाहें तो यहाँ से थोड़े बहुत एंगल्स जो हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। राइट डोर आपका खुला हुआ है तो मेरे को नोटिफिकेशन भी दे रहा है, यहाँ सामने भी नोटिफिकेशन दे रहा है, इधर भी नोटिफिकेशन दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ से ईजिली जो है वो स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, आपकी इमेज की स्टोरेज में जो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। ये नॉब्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आजकल लोगों को सारी चीज़ें टच बेस्ड ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं ना तो ये फिजिकल बटन्स, इस तरीके की नॉब्स जो कि आपके शॉर्टकट्स के तौर पर काम करती है, बहुत यूजफुल चीजें हैं। आप इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहां पर मिलता है, जो कि काफी शानदार फीचर है। वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, ए टाइप का एक पोर्ट आपको यहां पर नॉर्मली देखने के लिए मिल जाएगा। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहां पर दिए गए हैं, ट्रैक्शन वगैरह आप यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और इधर आपको मिलते हैं स्टीयरिंग के मोड्स। वही 3 मोड्स हैं जो कि हमने बाकी और गाड़ियों में देखे हैं XUV में, तो आपको यहां पर वही नॉर्मल आपका और स्पोर्ट्स और एक आपका कौन सा है सिटी, हाँ नॉर्मल स्पोर्ट्स और सिटी शायद यही 3 आते हैं, हाँ कंफर्ट आता है, नॉर्मल आता है और स्पोर्ट्स आता है, ये 3 मोड्स हैं। यहाँ पर आपको स्टेयरिंग के ऊपर सिंबल भी दिख जाएगा कि स्टेयरिंग के मोड्स हैं। इसके मोड चेंज करने से इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टेयरिंग के ऊपर हल्का फुल्का माइनर फर्क पड़ता है, यानी इसमें वेट एड हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, वो सब चीजें हैं। स्टेयरिंग व्हील की जब बात हो रही है तो आपको बताता हूँ, देखिए फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता, 3 स्पोक का जरूर मिलता है, ग्लॉसी फिनिश जरूर यहाँ पर दी गई है। मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर रेड बैजिंग के साथ, अगर TGDI वगैरह कुछ मेंशन किया होता है, टबो लिखा होता तो वो ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा सॉलिड फील देता है, रेड स्टिचिंग होती है यहां पर, लेकिन ये कुछ चीजें आप मिस करेंगे। फिलहाल ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स इसी 10.25 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, क्रूज कंट्रोल वगैरह, और ये सामने क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। सामने अगर आप चेकआउट करेंगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, आपकी सारी ड्राइव इन्फो, उसके बाद यहां पर आपकी फ्यूल इन्फो,
फिर आपकी व्हीकल की इन्फो, नेविगेशन, वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। फ्यूल की गेज, इधर कूलेंट टेम्परेचर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटली, वार्निंग लाइट्स, हर चीज आपको यहाँ पर जो है वो क्लियरली विजिबल होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग में बात करते हैं तो देखिए टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, किसी तरीके का टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया। इधर आपके पास रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो डेफिनेटली ऑटो का ऑप्शन है, और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो टर्न इंडिकेटर्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प आता है, तो वहां पर भी आपको ऑटो का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। ऑटो डिमिंग IRVM आता है इस वेरिएंट में, जो कि अगेन एक काफी अच्छी चीज है। उसके बाद सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है, छोटा आता है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट में आपको नहीं दिया जाता। ये कुछ पोर्शन है जो खुलता है, लेकिन प्लीज कभी भी चलती गाड़ी में इससे बाहर मत निकलना, और ना ही अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी निकलने देना। वन टच में आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्टन है इसको आपको हमेशा मैन्युअली ही लगाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं होगा। उसके बाद लाइट्स हैलोजन में आपको दी गई है, अगर ये भी LED होती तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर था, लेकिन हैलोजन के बाद भी इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, जो कि आपका प्रॉपर काम चलाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वाइजर चेक करते हैं, यहाँ वाइजर की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी फील होती है। वैनिटी मिरर दिया गया, ऊपर अगेन आपके पास एक हैलोजन लाइट आपको मिल जाती है, इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, कुछ इतना पोर्शन है जो कि ये कवर अप कर रहा है, थोड़ा सा पोर्शन डेफिनेटली ये छोड़ भी रहा है, तो आपको ब्लाइंड्स तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसके बाद रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से रिट्रैक्टेबल आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, सीट बेल्ट की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, साइड कर्टन फ्रंट, इसके बेस वेरियंट से ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, तो वो चीज आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाती है। ड्राइवर साइड में आपको एक प्लेन वाइजर इस तरीके से मिलेगा, कोई टिकट होल्डर या कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको यहां पर ऑफर नहीं किया गया, लेकिन गाड़ी एक अच्छी विजिबिलिटी आपको नो डाउट देती है। अंडर थाई सपोर्ट सीट से अच्छा मिलता है, बॉस्टर सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। आर्मरेस्ट मिलता है, जो कि अगेन आपका यहां पर प्रॉपर लेदरेटेड है, यानी सॉफ्ट टच आपको मिलता है, बढ़िया स्टोरेज आपको मिलती है, कप होल्डर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इसी वेरिएंट में मिल जाती है, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, 6-speed मैनुअल, और आप चाहें तो ऑटोमेटिक के लिए भी जा सकते हैं। सिर्फ आपके पास इंजन यही ऑप्शन रहेगा, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर TGDI यानी कि टर्बो, लेकिन आप ट्रांसमिशन को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे मैनुअल के साथ जाइए या फिर आप जाइए ऑटोमेटिक के साथ। चलिए इस सीट को थोड़ा सा आगे को शिफ्ट करते हैं, और अब एक बार हम चलते हैं जरा एक बार सेकंड रो में, यहां आपके कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए आपको क्या कुछ मिलता है। मैं अभी गाड़ी ऑन है और चाबी लेकर मैं बाहर आ गया, तो गाड़ी ऑन करके मेरे को नोटिफिकेशन दे रही है, रिमाइंडर दिलवा रही है कि भाई गाड़ी आपकी ऑन है और आप चाबी लेकर बाहर। फिलहाल चलिए बैक टू द टॉपिक, स्पेस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, न्यू रूम तो काफी अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम आपको यहाँ पर मोर देन इनफ मिलता है, उससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाता है। एसी वेंट्स हैं, सी टाइप का फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, मोबाइल आप इजिली यहाँ पर रख सकते हैं, और इधर आपको एक नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो भी दिया गया है। हम कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला, पीछे 3 लोग आप इजिली बैठ सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है कि तीनों हट्टे कट्टे ना हो भाई, थोड़ा एवरेज साइज के ही होंगे तभी वो कंफर्टेबल बैठ पाएंगे। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो फिर 2 लोग और बीच में किसी एक छोटे बच्चे को जरूर एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज और, यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। आर्मरेस्ट भी आपको यहां पर दिया गया है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स जो है वो भी आपको यहां पर मिलेंगे। अगेन पीछे जो कैबिन लाइट है वो आपकी हैलोजन बेस रहने वाली है। रिट्रैक्टेबल इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं कोटुक के साथ, दोनों साइड कोटुक है। और एक आपके लिए काफी प्रैक्टिकल चीज कि आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन जो है वो भी यहां पर मिलता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। और यहां पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दी गई है, जो कि एक और अच्छी चीज है। उसके बाद पीछे अगर आप डोर चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली डूल टोन में है, ये भी सॉफ्ट टच में आपको मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलते हैं, ये फिनिशिंग सारी ग्लॉसी है, ग्रैब हैंडल बढ़िया आपको मिल जाता है, डोर पॉकेट्स में स्पेस जो है वो काफी अच्छा आपको मिलता है, पावर विंडो का बटन आपको यहां पर मिलता है, लेकिन ये बाकी कोई भी विंडो वन टच में अप एंड डाउन नहीं है, सिर्फ ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वही आपको ऑटो यहां पर मिलती है। चलिए यहां से हम गाड़ी का हुड खोल लेते हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ से इग्निशन जो है ना वो एक बार बंद करते हैं। जैसे ही आप इग्निशन बंद करते हैं तो आपकी सारी ड्राइव इन्फो वगैरह और यहाँ डिस्प्ले यानी जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको प्रॉपरली गुड बाय वगैरह सब कुछ बोलकर प्यार से बड़े अलविदा करता है। कहाँ गया भाई ये रहा, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको TGDI का इंजन बे तो आपके सामने है, बहुत ही वेल मैनेज्ड वेल पैक्ड इंजन पे आपको मिलता है। और अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो 128 BHP और लगभग 230 Nm तक का टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग दिखेगी, हुड में अच्छा खासा इंसुलेशन आपको यहां पर दिखेगा, अंडर बॉडी में भी पूरी कवरिंग आपको दी गई है, और थोड़ा बहुत हीट रिडक्शन मटेरियल जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। इसे कल क्लोज कर देते हैं, और अगर मैं बात करूं क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी की तो लगभग 20 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो इस वेरियंट के साथ, इस इंजन के साथ क्लेम्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली वही आपको 14-15 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ये वेरियंट या ये गाड़ी डिलीवर करेगी। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस देखते हैं तो वो है लगभग 12 लाख रुपए, 11,99,000 रुपए,
और अगर आप नॉर्मल AX5 के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो लगभग आप 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, जहां पर आपको एडास 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो डिमिंग, IRVM, ऐसे बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज, इंजन आपको यहाँ पर चेंज मिल रहा है, हालांकि है उसमें भी आपको टर्बोचार्जर, लेकिन वो MPFI आता है, ये है TGDI। तो ज्यादा पावर डिलीवर करता है, ज्यादा टॉर्क डिलीवर करता है, गाड़ी बहुत ज्यादा फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस आपको पूरी तरीके से डिलीवर करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वेरिएंट कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द फिर से मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।